नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं गाजीपुर जनपद के धामूपुर शहीद वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता उनके पार्क में आया हूं। और हमारे पीछे देख रहे हैं, इधर बोर्ड भी लगा हुआ है। यहां पे जो है पूरा उनका ब्यौरा लिखा गया है और गेट है, हम गेट से एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देना चाहेंगे कि ये देख रहे हैं दीवारें काफ़ी सुंदर दिख रही हैं और यहाँ पर रंगाई पोताई जो कि डेंटिंग पेंटिंग किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है 10 सितंबर 2022 को शहादत दिवस मनाया जाएगा। वो दिन जिस दिन आज से 57 साल पहले शहीद वीर अब्दुल हमीद देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी और उसी में जो है पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी देश के लिए। लेकिन हम जब यहाँ पे आए हैं देखें तो यहाँ पे बहुत से ऐसे युवा हैं, और आज ही के दिन नहीं, यहाँ पे आप जब भी आएंगे हर रोज़ पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं शहीद वीर अब्दुल हमीद के पार्क में उनकी गाथा जानने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं जिसको मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगा कि क्या कमियाँ हैं। आज मैं कमियाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हमारे देश के वो वीर सपूत हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। और देखिए उनकी शहादत में जो है बहुत ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं और कुछ लोग हैं, उन लोग से भी बात करेंगे। वहाँ पे पोस्टर भी लगाया गया है और यहाँ पे मैं जैसे ही आया देखा कि कुछ युवा आ गए हैं। और युवा यहाँ पे देखिए, युवाओं के अंदर जोश कैसा होता है, उनसे भी हम बात करेंगे कि उस जोश जज्बा जुनून के साथ कहीं ना कहीं उनके अंदर आर्मी का जुनून होगा, आर्मी देश सेवा के प्रति उनका जुनून होगा और शायद उसी उम्मीद से जो है इनको अपना आइडियल मानते हुए इनके यहाँ जो है केक लेकर आए हैं काटने के लिए। उनसे बात करेंगे फिर चलेंगे, देखते हैं कुछ जानकारी देते हैं। तो बाकी शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के परिवार से हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे जो तैयारियाँ चल रही हैं किस हिसाब से चल रही हैं और जो यहाँ की व्यवस्था है क्या हमेशा इसी तरह रहता है या फिर केवल आज से तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं। सर स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशफाक अहमद सर जी। और यहाँ पे 10 सितंबर मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। तो मतलब हम लोग को एक उत्साह हुआ था, हमको जानकारी हुआ कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बड़ा खुशी हुआ, उत्साह हुआ कि चलिए हम लोग गाँव का मुख्यमंत्री जाएंगे और हम लोग देखेंगे और हम लोग के लिए कुछ ना कुछ संदेश देंगे कि मतलब युवाओं को क्या करना चाहिए। तो हम फिर बाद में सुने, पता चला कि नहीं मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं तो बड़ा तकलीफ़ हो रहा है कि अंदर से कि बताइए, हम लोग उनको देख भी नहीं पाएंगे अपने सामने से कि मुख्यमंत्री जी हम लोग के प्रति आते हैं और यहाँ पे कुछ बोलते दो शब्द, तो हम लोग के लिए बहुत उत्साह रहता है कि चलिए हमारे बड़े पापा लगेंगे, इतना देश के लिए करे हैं, कम से कम वो दो शब्द आके बस यहाँ के घर परिवार वालों के और जो देश के युवा हैं उनके लिए बोल देते तो हम लोग के लिए काफ़ी रहता सर। देखिए ये उम्मीदें टिकी हुई हैं मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री ही जी से नहीं, जितने लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं शायद उन लोगों से भी उम्मीदें हैं क्योंकि वो लोग आएंगे और परिवार के लिए दो शब्द बोलेंगे तो इनको बहुत जो है अच्छा लगेगा और शायद जो है देश के प्रति इनका भी और प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, अभी आपकी तो उम्र है भर्ती होने के लिए ना? जी सर, जी सर, एक बार गया था जबलपुर सर दौड़ के लिए, मगर थोड़ा सा अंतर रह गया, उससे छट गया। मैं चाहता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन रहे हों तो मैं भी उनके परिवार से, मैं उनका भतीजा लगूँगा, तो यदि आर्मी का हमें मौका दे दौड़ने के लिए तो मैं दौड़ने के लिए भी तैयार हूँ सर। जी सर, और मैं उनसे आग्रह भी करूँगा कि वो प्लीज़ हम लोग एक बार धरती पे गांव पे आ जाएं, हम लोग को बड़ी खुशी होगी सर। देखिए इसलिए कह रहे हैं कि जो खून वीर अब्दुल हमीद, जो शहीद वीर अब्दुल हमीद जी हैं उनके अंदर जो खून है वही खून जो है परिवार का इनके अंदर भी है, और जो जो वीरता दिखाते हुए देश के प्रति उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी वो वीरता जो है यह भी दिखाएंगे और देश के लिए जो है ये भी लड़ने के लिए तैयार है। मेरा नाम भी इसीलिए, मेरा माँ पा अम्मा और बाप ने अशफाक नाम रखा है, कम से कम इसके अंदर क्रांतिकारी भाव रहेगा। जी सर, मेरे पापा भी आर्मी में रह चुके हैं, 4 ग्रेनेडियर से थे जी, आर्मी में भी 4 ग्रेनेडियर में रह चुके हैं, इस समय तो मतलब इंतकाल हो गया उनका सर। जी अच्छा सर, आपका तो सभी लोग वीडियो बहुत से लोग देखे होंगे, इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे एक बार परिचय। जी, सुबेदार यादव नाम है मेरा, मैं वाराणसी से आया हूँ यहाँ पे। इनके वीरता के जो कहानियाँ हम लोग को पढ़ाई जाती है उनसे हम लोग प्रभावित होकर यहाँ पर आए हैं, इसको देखे हैं, ये हमारे देश के असली हीरो हैं। और इनका 10 सितंबर को जो कार्यक्रम है, तो मुख्यमंत्री एक राजा होते हैं प्रदेश के, वो सबके होते हैं, पहले देश के सैनिक को देखें उसके बाद अपना या नेता को देखें। जी जी। सुनने में आया कि 9 तारीख को गाजीपुर में आ रहे हैं और 10 तारीख को यहाँ आने का उनका कोई अभी प्रस्ताव नहीं आए, हमारे लिए दुर्भाग्य और देश के लिए ऐसा है कि ऐसे राजा हमने चुना है और उनको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, सब काम छोड़कर एक देश का जहाँ मैटर सैनिक का आए वहाँ ज़रूर आना चाहिए। नहीं अब आगे देखिए, उम्मीद अभी हम लोग लगाए हुए हैं, हम तो एनसीसी से हैं जी,
और हम बनारस से आकर यहाँ अब 3-4 दिन रहेंगे और यहाँ पे भी कई ठे हम लोग समाज सेवा करते रहते हैं इनके, उतना दूर से यहाँ पे कुछ न कुछ तो जरूर करते रहते हैं। देखिए सही बात इन्होंने कहा, और गाजीपुर जनपद में मात्र 24 घंटे के अंतराल पर जो है आ रहे हैं। अगर 24 घंटा नहीं केवल 12 घंटा कर सर जी अंतराल कर देते तो यहाँ का भी जो भव्यता, जो सम्मान है और जो भव्यता है वो बढ़ जाता, और ज़िले का जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ की भी भव्यता बढ़ जाती। और मात्र अंतर कितना है, 35 किलोमीटर दूरी का। लेकिन सोचिए कि 35 किलोमीटर के अंतराल में एक ये वीर जवान है जो कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और वो भी हैं ऐसी बात नहीं, वो भी जो है शिक्षा का एक नींव डाले हैं। सोचेंगे सर तो प्रोटोकॉल भी बदल देते हैं 1 घंटा पहले जी। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री आज इस भारत में आए हैं कि अपने देश और सैनिक के लिए तो बिना प्रोटोकॉल के भी चले आए हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर चले आए हैं जी, जी। उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आ सकते हैं, आना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि गाजीपुर वीरों शहीदों का धरती कही जाती है, गाजीपुर आना सबके लिए बस की बात नहीं है। बड़ा जो सौभाग्य दुर्भाग्य सौभाग्य वहीं लोग आ पाएंगे जिनके अंदर देश प्रेम है, वीरता है, वहीं आ पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद सैनिकों का सम्मान, शहीदों का सम्मान करना चाहिए। 10 सितंबर को है, आ जाए यहाँ पे, सब लोग उम्मीद जताए हैं और यहाँ का विकास हो जाएगा, इनके सम्मान को बढ़ाया जाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे सैनिकों का सम्मान, जो शहीद हुए सम्मान कम होता जाएगा, जो हमारे राजा नहीं आ रहे हैं तो इसीलिए तो चुना जाता है कि राजा आए, खुशियाँ आए। इसलिए ये कह रहे हैं इतनी बात ही क्योंकि ये जो है प्रेरणा स्रोत हैं, और जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा और फिर जो है वो सरहद पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अन्यथा सभी लोगों का जो देश के प्रति जो जुनून है वो कहीं ना कहीं धूमिल होने लगेगा। बनारस से आकर हम पढ़ने वाले लड़के हैं, ये छत बनवा दिए हैं। अच्छा। और अपने पैसे से, अपने दोस्तों सहयोग से और लोगों से। लेकिन अब एक मुख्यमंत्री यहाँ पे नहीं आएंगे तो बड़ी दुख की बात है, आपसे बता रहा हूँ कि अभी तो हम हैं बनारस से और बनारस से आकर यहाँ रह भी रहे हैं, हमको रहने होने का कोई वैसा नहीं है, फिर भी रह रहे हैं यहाँ पे। और ये छत इतना बढ़िया बन गया, अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, साफ सफाई कितना अच्छा लग रहा है। बताइए, हम कहे थे कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे। पढ़ने वाले लड़के हम लोग, इतना उत्साहित है, इतना जोश है, तो सोचिए देश के राजा को, उत्तर प्रदेश के राजा को कितना रहना चाहिए जी। हम सोचे थे कि अगले वीडियो में बात करेंगे लेकिन मजबूरन अब थोड़ा बहुत कहना ही पड़ेगा कि अभी हम बात करेंगे, गार्जियन से भी बात करेंगे जो कि शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के जो पोते हैं और जो उनके बेटे हैं उनसे भी बात करेंगे थोड़ा सा। लेकिन देखिए कि ये वाराणसी से चल कर आके जो है समाज सेवा के रूप में यहाँ पे छत बनवाए हैं, अपने पैसे से, अपने खुद बनवाए हैं, अपने पैसे से बनवाए हैं सर। जी जी, और लोगों से सहयोग भी लिया हूँ जी। तो ये इस तरह से यहाँ पे निर्माण किए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आकलन करिए, बस हम बस यही कहेंगे, कुछ नहीं करना है, आप केवल आकलन करिए कि काश अगर यह छत नहीं रहता तो जो हमारे देश के वीर सपूत हैं उनकी जो मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है उनका कैसा यहाँ पे अच्छा लगता, सोचिए। लेकिन उनके सर पे जो है छत बनाए हैं भैया जी। दुखी होकर सर हम आए थे जी, आए तो दुखी होकर, हमको इतना ग्लानी, इतना अंदर दुख हुआ ना कि कितनों परेशानी आए, कितनों गर्मी झेलने, कितनों परेशानी, लेकिन हम बनाकर ही जाएंगे जी, जी। इतना प्रण ले लिए थे। अच्छा, हम बात करेंगे कि आखिर में जो शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क है यहाँ पे कई लोग आते होंगे, देख के जाते होंगे, लोग कहते होंगे कि बहुत कम तैयारी यहाँ पे, कुछ सा व्यवस्था वैसा नहीं है। पहले यहाँ जानते हैं कि जो यहाँ पे व्यवस्था की जाती है, यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और ये जो तमाम जो यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, इसका ये खुद अपने बल से करते हैं या प्रशासन के द्वारा किया जाता है या फिर किस हिसाब से कैसे किया जाता है वो जानेंगे। सर एक जानकारी चाहिए थी सर, स्वागत है। बता दो, लोग आते हैं दूर दूर से लोग और घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि देश के कोने कोने तक इनका नाम है, विदेशों तक नाम है, तो लोग सोचते हैं कि जो हमारे देश के लिए जो बलिदान हुए हैं चल के थोड़ा उनके पैतृक निवास चले घूमने के लिए, तो बहुत से लोग बताते भी, लोग यहाँ के आते हैं, लोग घूम के जाते हैं, लेकिन आने के बाद जब यहाँ की व्यवस्था देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है शर्मिंदगी होती है। लेकिन क्या यह व्यवस्था आपको करना, मैनेज करना होता है या फिर प्रशासन के द्वारा करना होता है या फिर कहीं और से होता है ये? नहीं, इस व्यवस्था में प्रशासन भी करता है, कुछ हम लोगों का भी रहता है। अच्छा। हाँ, कुछ प्रशासन थोड़ा बहुत मदद मिल जाती है और हम लोग भी करते हैं। अच्छा, ये पूरी व्यवस्था खुद को देखना होता है, यहाँ के साफ सफाई चाहे हर डेली? हाँ, एक्चुअली प्रधान जी जो है वो कराते हैं इसकी व्यवस्था साफ सफाई का जी। प्रधान जी को बता दिया जाता है, वैसे भी मालूम है कि 10 सितंबर को जो है शहादत दिवस मनाया जाता है और प्रधान जी व्यवस्था करते हैं और कुछ ब्लॉक के और तहसील के लोग भी जो है इसमें सहयोग करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट चलता है शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से, वैसा भी सर? और ट्रस्ट चलता है इसके बारे में हम पूरा कंफर्म नहीं है,
लेकिन मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि मेरे भतीजा जमील के द्वारा कोई ट्रस्ट चलाया जाता है। ट्रस्ट चलाया जाता है, लेकिन अब ये है देखना कि सरकार की तरफ से क्या उस जवान के लिए इतना ही फंड आना चाहिए कि जो है कुछ लोग जो आए यहाँ पे घूम के जाएं और जो है इस तरह से देखें। अब सच कहिए तो जो यहाँ पर होना चाहिए सुविधा उतना तो नहीं है, और यदि कोई मेरे पिताजी के नाम पर ट्रस्ट चला रहा है तो वो बताए कि नहीं उनके ट्रस्ट से क्या क्या काम होता है इस पार्क में और बाकी क्या काम होता है, उनके नाम से काफ़ी पैसा आता होगा उस ट्रस्ट में। तो सर आप भी उनके पोते हैं और हम चाहेंगे कि अपनी सोच दीजिए कि इस शहीद पार्क के लिए आपके जो दादाजी थे उनके सम्मान के रूप में यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था कर दी जाती ताकि जो है अच्छा रहता है। देखिए जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं वो तो करते ही लोग हैं, और जो अपना व्यवस्था होता है अपने पर्सनल व्यवस्थाएँ होती हैं वो उन हर वर्ष करते ही हैं, और इस बार तो उम्मीद जताए हम लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अगर उनकी आगमन हो जाती तो इस धरती और इस क्षेत्र का जो है विकास भी होता और काफ़ी लोगों में उत्साह भी है कि माननीय मुख्यमंत्री का अगर आगमन हो जाए तो बहुत बेटर होता, और बाकी सब कुछ ठीक है। कार्यक्रम के जो है सब सिलसिले में जो है सभी लोग डिस्टर्ब हैं पड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी जो है लगे हुए हैं कि कार्यक्रम जो है एक देश हित में राष्ट्र हित में जो है अच्छी तरीके से मनाया जाए, ताकि एक अपने राष्ट्र हित में अच्छा एक मैसेज जाए कि शहीदों का सम्मान को इस तरह का बरकरार रखा जाए कभी धूमिल ना हो। जी बहुत से लोग तो आते हैं, अब उनके नाम से विद्यालय है, उनके नाम से हॉस्पिटल है, उनके नाम से पार्क है, उनके नाम से सड़क है, और दुल्लापुर में भी मूर्ति है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जी तो दुल्लापुर में वो जलालाबाद नियर अबाउट जो दुल्लापुर से है वो उनके मूर्ति का अनावरण जो है हुआ है, माननीय रामविलास पासवान के लड़के जो है चिराग पासवान जी किए हैं, उस चौराहे का नाम ही रखा जाएगा वीर अब्दुल हमीद चौराहा। और मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट से कि जब वो सड़क की जब चौड़ीकरण हो तो उस चौराहे को जो है एक खूबसूरत जो है तरीके से बनाकर जो है मेरे ग्रैंडफादर दादाजी के नाम से जो है वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से जो है उस चौराहे को रखा जाए, क्योंकि आने जाने वाले जो भी लोग हों उस मार्ग से उनको ये मालूम चले कि इनके घर इनके इर्द गिर्द ही है। जी देखिए हमारी भी एक सोच है, काश जो है सभी लोग ईमानदार हो जाते और काश जितना भी फंड आता है शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से वो पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया जाता, और काश जो है जो लोग आते इनके नाम जो सुन के आते हैं ज़िले में और एक बार सोचते हैं कि नहीं चलें हम धामूपुर देखें कि नहीं उनका पार्क कैसा है, तो काश यह इतना यहाँ का व्यवस्था हो जाता और आके देख के वो लोग जाते, फिर जो है वो कहते कि नहीं हाँ हम गए थे उनका जिला उनके गांव पे गए थे, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि हम उनको उसको बयां नहीं कर सकते सर। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह का एक जो है महोत्सव होना चाहिए यहाँ पे, और मैं तो कहूँगा कि सरकार अगर आ जाती तो वेरी गुड, लेकिन अब देखिए लगे हैं हम लोग हैं। देखिए बस आने की इसलिए उम्मीदें हैं कि अगर वो आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है चार चांद लग जाएगा, जितनी भी व्यवस्थाएं वो दुरुस्त हो जाएंगी, और यहाँ पे लाइब्रेरी भी बना दी जाए या फिर और यहाँ पे देख रेख के लिए एक गार्ड रख दिया जाए, गार्ड उस तरह का ताकि आर्मी के ही जवान रहें, या फिर और सारी व्यवस्था हो जाए ताकि लोग जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए ठहरने की व्यवस्था भी हो जाए, तो इस ज़िले का और अच्छा होगा और शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के सम्मान में भी हम लोगों को गर्व होगा कि नहीं अपने ज़िले के लिए जो है अपना सरकार जो है कुछ की है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।